थर्ड ईयर लिटी चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार, आरके स्कूल कुसाइल बाजार से। आज मैं क्लास फर्स्ट इंग्लिश मीडियम को मैथ पढ़ाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आप कुशल से होंगे और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसे घर पर बैठकर ध्यान से पढ़ रहे होंगे। तो बेटा, जो जब मम्मी पापा आपको मोबाइल देते हैं तो उसका मिसयूज नहीं करेंगे, सिर्फ विद्यालय से संबंधित चीज़ें और वीडियो ही देखेंगे, ठीक है। और अपने अभिभावकों से भी मैं गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए बुक अवश्य अवेलेबल करा दें। और एक आवश्यक बात, जैसा आप जानते हैं कि इस समय हमारा पूरा देश जो है कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, किसी भी बाहरी व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। और अगर किसी भी आवश्यक कार्य से आपको बाहर जाना पड़ता है तो आप मास्क का प्रयोग करें और घर वापस आने के बाद साबुन को हाथों को अपने साबुन से बार बार धोते रहें। तो ये तो सुझाव हो गया हमारे स्वच्छता के बारे में। अब क्लास फर्स्ट के जो बच्चे हैं वो अपनी मैथ की बुक ओपन करें और टॉपिक पर देखें। हमने आपको पेज नंबर 15 तक करा दिया है, आज पेज नंबर 16 आपको पढ़ाना है। मैथ के बुक के नीचे देखिए पेज नंबर 16 जो रेड से लिखा हुआ है, रेड गोले में, वही है बेटा। तो बुक आप देखते रहिए, देखिए ऊपर लिखा है मिसिंग नंबर। मिस माने होता है गलती या चूकना, स्पष्ट शब्द मिस माने चूकना होता है या भूलना भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मिसिंग नंबर, जो नंबर ये भूल गए लिखने के लिए उसी को आपको भरना है, ठीक है। और लिखा है राइट द मिसिंग नंबर इन द बॉक्सेस, कहाँ लिखना है, बॉक्स माने होता है संदूक, लेकिन यहाँ संदूक है नहीं, बॉक्स जो खाली डिब्बा बना हुआ उसमें भरना है। गिवन बिलो, नीचे दिए हुए नंबरों में खाली जगह आपको भरना है। फिर है वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है या एक आपको करके बताया गया है। जैसे देखो फर्स्ट आपका है, इतना फर्स्ट सेकंड तो है नहीं, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इतना बॉक्स बनाने के बाद मैंने सामने छोटा बना दिया है क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी। लेकिन जब आप बनाएंगे तो कोशिश करिए कि सामने सामने पूरा आपका कॉपी में आ जाए, ठीक है। बॉक्स आपके छोटे बड़े ना हो, अंक बिल्कुल सेम एक ही तरह लिखा हो, ठीक है। तो बेटा जैसे ये लिखा देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्होंने करके बताया है और इसमें बीच में भरे क्या है। जैसे मैंने ये कर दिया, बोला 4 भर दिया है इन्होंने, फिर 6 भर दिया है, 8 भर दिए हैं, मतलब 3, 5, 7, 9 के बीच में जिसमें गोला लगा हुआ है वो अंक इन्होंने भरा है। लेकिन इन्होंने पहले ब्लैक से लिखा है फिर रेड से, लेकिन आप क्या करेंगे, जो बुक में लिखा हुआ है नंबर उसे आप पेंसिल से लिखेंगे और जो भरेंगे वो आपका ब्लैक पेन से होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग पेन और पेंसिल का इस्तेमाल करोगे तभी पता लगेगा क्या आपने भरा है। तो ये चीज आपको ध्यान रहे कि जो वो नंबर बुक में लिखा है उसे आप पेंसिल से, जो आप भरेंगे वो पेन से, ठीक है। तो इन्होंने एक तो कर दिया है, आपको करके बताया है इन्होंने कैसे करना है, ठीक है। आगे आपको हम बताते हैं, इसमें का कुछ हम बता देंगे और बाकी आपको स्वयं खुद करना पड़ेगा और यही आपका होमवर्क भी रहेगा आज का, ठीक है बेटा। तो देखिए 1 है, फिर गैप है, फिर 3 है, फिर गैप है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि 1 के बाद क्या आता है, तो भी तो आता है, और 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो इसे आप क्या करेंगे, पेंसिल से लिखेंगे और जो ये मैंने बाद में लिखा है इसे आप ब्लैक पेन से लिख देंगे, ठीक है, या ब्लू पेंसिल लिख सकते हैं, लेकिन अलग अलग पेंसिलों का प्रयोग करेंगे आप लोगों का, ठीक है। जैसे ये देखो 2 है, यहाँ 8 है, इसके बीच का नंबर आपको लिखना है, भाई 2 और 8 के बीच में क्या था, 2 के बाद क्या था, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 लिखा ही, ठीक है। ये फिर 5 और 9 के बीच, 5 के बाद 6, 7, 8 एंड 9। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने छोटा बॉक्स बना दिया, अंक भी छोटा कर दिया, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, सेम बनाएंगे बराबर, ठीक है। अब आते हैं हम 5, 8 के बीच में क्या था, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ठीक है, ऐसे हो गया। फिर 1 और 4 के बीच में क्या आएगा, 1 के बाद क्या आता है, 2, 2 के बाद 3, 3, 4 आपका हो गया, ठीक है। 2 और 6 के बीच में जो नंबर आते हैं वो आपको भरने हैं, 2 के बाद 3,
थ्री के बाद फोर, फोर के बाद फाइव, ठीक है बेटा। फिर टू और फाइव के बीच में टू के बाद क्या थ्री, थ्री के बाद फोर। इतना मैंने आपको करके बता दिया है, बाकी ये जो नीचे बचते हैं दिख रहा है बेटा, ये आपको अपने आप से करना है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये फोर है, ये एट है, तो फोर और एट के बीच में क्या फाइव सिक्स सेवन एट लिखा ही है, सिक्स है, फिर गैप है, फिर गैप है, नाइन, सिक्स के बाद सेवन एट नाइन भर देना। इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। लेकिन हर अंग को आप साफ साफ शुद्ध शुद्ध लिखेंगे, काट पीट नहीं करेंगे, ठीक है। इसे आपको फिर कॉपी में भी नोट करना पड़ेगा और बुक में भी भरना है। अगर बुक में आप भरेंगे तो पेन का प्रयोग नहीं करेंगे, पेंसिल का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क भी है बेटा आज का। फर्स्ट वाले जो है वो ध्यान से सुन लें, बुक में भी आपको पेंसिल से भरना है, पेन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। स्वच्छता सफाई पर आप विशेष ध्यान देंगे, ठीक है बेटा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।